आज का शुभ संदेश अध्यात्म और धर्म। पुराने समय के अंदर अध्यात्म और धर्म एक ही चीज थे। क्यों थी? क्योंकि उस वक्त का जो व्यक्ति है वो बहुत मननशील था, श्रद्धाशील था, और वह जो है वह ज्यादा से ज्यादा जो है कोई चीज का कटाक्ष नहीं करता था और किसी चीज का तर्क नहीं करता था। इसीलिए ये आवश्यकता नहीं थी अध्यात्म और धर्म को अलग करने का। लेकिन धीरे धीरे जो मनुष्य की बुद्धि बढ़ती गई तो बुद्धि बढ़ने के कारण जो है धर्म एक बदनाम हो गया। क्यों हो गया? कि धर्म ने जो है संप्रदाय का रूप ले लिया। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, क्रिश्चियनिटी और जो आपने जुडाइज्म, ज़ोरास्ट्रियन, ये मुख्य जो है 8 धर्म है विश्व के। ऐसे छोटे छोटे कई धर्म है, 365 तरह के धर्म दर्शन आज जो है विश्व में चल रहे हैं। लेकिन ये इन धर्मों ने संप्रदाय का स्थान ले लिया। मेरा संप्रदाय अच्छा है और मेरे संप्रदाय से मुक्ति होती है और मेरे संप्रदाय में आओ और यहीं से आपकी तरक्की होगी, यहीं से आपको शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। तो इस तरह से एकांत जो है भावना, विचार, धारा होने के कारण धर्म जो है बदनाम हो गया और कॉम्युनल जो है वो डिसहारमोनी हो गई, कॉम्युनल राइट्स हो गए। तब धर्म की जगह अध्यात्म को लाना पड़ा। अध्यात्म का अर्थ भीतर की ओर जाना और धर्म का भी अर्थ है कि हमारा भीतर का जो जगत है, परमात्मा का जगत है, प्रभु का जगत है, उसको स्पर्श करना, यानी अपने स्वयं का अनुभव करना कि मैं कौन हूँ। जब ये अनुभव करने लग जाते हैं तभी हमें जो है सच्चा धर्म या अध्यात्म मिलता है। तो अध्यात्म और धर्म जो है वैसे तो एक सिक्के के दो पहलू है, लेकिन अध्यात्म जो है धर्म अधिक चर्चित होने के कारण उसको अध्यात्म को अलग करना पड़ा।